हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर के पिनआउट के बारे में जानेंगे, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मीटर है। तो मैं आपको इस चैनल पे आपको इजी प्रोसेस बताऊंगा ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। देखिए, ट्रांजिस्टर को ऐसे हम लोग दो तरीक़े से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो आईसी जो ट्रांजिस्टर है, इसका हम लोग डाटा शीट गूगल पे जब इसका नंबर सर्च करोगे तो इसमें आपको डाटा शीट में टोटली चीज़ दिखाया जाता है कि ये ट्रांजिस्टर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और इसका क्या यूज है, इसका कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मीटर है, या एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, वो डाटा शीट में आपको दिखा दिया जाता है। अगर हम लोग को मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है कि एनपीएन है या पीएनपी है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मीटर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये दो तरीक़े से चेक कर सकते हैं, या तो गूगल से सर्च मार के चेक कर सकते हैं, या तो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ और दोनों ट्रांजिस्टर को मैं आपको चेक करके बताऊँगा। जैसा कि यहाँ पे मैं दो ट्रांजिस्टर रखा हूँ और ये दोनों ट्रांजिस्टर को हम चेक करके बताएंगे इसका एनपीएन है या पीएनपी है, इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, मीटर कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमको कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है और चेक करना है कि कौन सा हमारा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है। देखिए, इसको चेक करने के लिए आपको देखिए यहाँ जो पॉजिटिव सिरा है, चाहे वो आप एक देखिए, यहाँ पे मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि कौन सा एनपीएन है और कौन सा पीएनपी है। देखिए, इसमें कोई वैल्यू नहीं आया एक तरफ से। जैसे मिडिल में मैं जो इसको जब मैं मिडिल में रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अब इसी पॉजिटिव को हम लोगों को इससे किनारे रखना है, 3 नंबर पिन पे। देखिए, मैं आपको 3 नंबर पिन पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है, ये पॉजिटिव है जो कि यहाँ पे भी शो कर रहा है। देखिए, पॉजिटिव शो कर रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए, सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे मैंने जब पॉजिटिव रखा तो यहाँ पे दोनों पे वैल्यू शो कर रहा है। देखिए, यहाँ पे भी कर रहा है, इस पिन पे भी कर रहा है। तो क्या ये बताता है? ये बताता है कि देखिए, हमारा जो पॉजिटिव है पी है, ठीक है, इधर से हमारा जो पिन है ये पी है और ये हमारा एन है और ये हमारा एन है। तो एक क्लियर हो गया कि हमारा एनपीएन है या पीएनपी है। तो देखिए, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो हमारा हो गया एनपीएन। कैसे हो गया एनपीएन? क्योंकि यहाँ पे डबल एनएन आ रहा है, डबल एनएन आ रहा है, तो ये सिंगल पी है, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब देखिए, पीएनपी को कैसे चेक करते हैं? तो देखिए, पीएनपी हमारा जो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रखा था तो ये दोनों पे रीडिंग आया। अब उसी तरह से देखिए, यहाँ पे मैं जब नेगेटिव रखूँगा तो देखिए दोनों पे रीडिंग आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे रीडिंग आया, नेगेटिव रखा, फिर यहाँ पे नेगेटिव रखा, नेगेटिव रखा, तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे एक एन आया। देखिए, ये जो पिन है एन आया और ये पिन है जो पी आया और ये जो पिन है ये पी आया। तो क्या हुआ कि इसका जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा हो गया पी एन पी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पी एन पी है। और मैं आपको देखिए, ये वीडियो गलत नहीं है, मैं आपको देखिए इसका नंबर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका नंबर क्या है। देखिए, मैं आपको नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे कितना दिखा रहा है, A966। तो ये हमारा
जो आईसी का नंबर है A966, और इसका जो नंबर है आपको दिखा देता हूँ, इसका जो नंबर है C2655, इसका जो नंबर है वो हमारा C2655। देखिए इसका जो नंबर है C2655, इसका नंबर है A966। तो ये हम लोग तो जान गए कि कैसे हम चेक करते हैं कि NPN है और PNP है। कैसे चेक किया, जब मल्टीमीटर का जब प्रोब को हम रखेंगे यहाँ पे, देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, मल्टीमीटर का जब प्रोब यहाँ पे रखेंगे तो हमको दोनों पे रीडिंग आता है। देखिए देखिए यहाँ पे दोनों पे रीडिंग आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। ये दोनों पे जब पॉजिटिव रखते हैं तो दोनों पे आता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव रखा और ये दोनों पे रीडिंग आता है, तो ये हमारा NPN है। और PNP को क्या है कि दोनों पे, अगर देखिए यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे तो दोनों पे पॉजिटिव पे वैल्यू शो करता है। देखिए वैल्यू शो किया, वैल्यू शो किया। तो देखिए इस तरह से आप NPN और PNP को चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम लोग कैसे चेक किए NPN और PNP है। अब हम इसके पिन आउट के बारे में जानेंगे कि ये हमारा कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मीटर है। तो देखिए मैं इसी ट्रांजिस्टर को चेक करके बताता हूँ कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मीटर है। तो देखिए जब मैंने ट्रांजिस्टर को चेक किया था तो उसमें जब एक पिन को हमने यहाँ टच किया तो हमारा जो दोनों पे रीडिंग आता है, तो हमारा जो वो मिडिल होता है जिसे हम बेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैंने रखा, देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने जब रखा इस लास्ट पिन पे, देखिए यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, तो दोनों साइड में रीडिंग आ रहा है, दोनों साइड में रीडिंग आता है। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बेस हो गया। क्यों बेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब रखते हैं तो हमारा दोनों पे रीडिंग आता है। तो दोनों पिन पे रीडिंग आएगा तो हमारा बेस हो जाता है। अब कलेक्टर और मीटर को कैसे हम लोग चेक करेंगे, कौन सा मीटर है, कौन सा कलेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने बेस पे रखा तो यहाँ पे रीडिंग देखिए कितना आ रहा है, 891 आ रहा है। और उसी जस्ट बगल में देखिए रीडिंग कितना आ रहा है, 892 आ रहा है। तो एक का डिफरेंट आ रहा है, देखिए इस पे 91 आ रहा है, 691 आ रहा है, 691 आया, और इस पे हमारा क्या आया, 692 आएगा। देखो 692 आया, देखिए 692 आया। तो कलेक्टर क्या हो गया, कम है। कलेक्टर क्या है, कलेक्टर का रीडिंग हमारा कम है। देखिए कलेक्टर का रीडिंग आपको कम दिखाएगा, देखा कितना दे रखा रहा है, 91 दिखा रहा है, और ये कितना दिखा रहा है, ये भी 91 दिखा रहा है। एक एक का डिफरेंट दिखाएगा, देखिए 90 हो गया, 90 दिखा रहा है, और ये कितना दिखा रहा है, देखिए 91 दिखा रहा है और ये 90 दिखा रहा है, देखिए 90 दिखा रहा है। तो कम दिखाता है वो हमारा कलेक्टर होता है, और ये हमारा एमीटर हो गया। जो ज़्यादा वैल्यू दिखाता है वो एमीटर होता है, जो कम दिखाता है वो कलेक्टर होता है। ये तो हो गया PNP का, और सेम NPN का भी सेम उसी प्रोसेस है। जैसे कि मल्टीमीटर को जब हम प्लस को यहाँ पे रखते हैं तो दोनों पे वैल्यू शो करता है। देखिए देखिए यहाँ पे वैल्यू शो किया और इस पिन पे भी वैल्यू शो करेगा। देखिए तो मेरा जो दोनों पे वैल्यू जो पॉजिटिव है वो वहाँ पे ही है, हमारा दोनों पे जब वैल्यू शो करता है तो हमारा बेस हो जाता है। ठीक है, अब रीडिंग को चेक करते हैं कौन सा मीटर है, कौन सा कलेक्टर है। तो देखिए इसमें रीडिंग कम ज़्यादा आएगा, कितना आ रहा, 681। देखिए आपको चेक करके दिखाता हूँ, पिन थोड़ा PCB से मैं खोल के चेक कर रहा हूँ, मेरे पास ट्रांजिस्टर नहीं था।
तो देखिए, रीडिंग कम ज़्यादा आता है, कम आएगा तो कलेक्टर है, ज़्यादा आएगा तो मीटर है। देखिए मैं आपको चेक कराता हूँ, 679 कम ज़्यादा आता है, 1-2 का डिफरेंस रहता है। देखिए 77, देखिए आपको यहाँ से चेक कराता हूँ, देखिए ये हमारा जो होता है, देखिए मिडिल हमारा बीच का है। देखिए आया कितना, 76, ये आया 77। तो ये हमारा हो गया, देखिए ये हमारा बेस है, एक कलेक्टर है और ये हमारा एमीटर है। क्या हुआ, देखिए जो बेस होता है उसमें दोनों पे रीडिंग आता है, ठीक है, तो वो हमारा बेस हो जाता है, और जिसमें कम वैल्यू आता है वो कलेक्टर होता है, और एमीटर का जो वैल्यू है 1-2 ज़्यादा रहता है। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है। तो दोस्तों अगर आपका ये समझ आ गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो इससे भी आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है और यहाँ पे रखना है पॉजिटिव को, और यहाँ पे रखोगे तो आपको दोनों में वैल्यू हो शो करता है, तो क्या होता है हमारा बेस होता है, ठीक है। दोनों पे अगर वैल्यू शो किया तो ये हमारा बेस हो जाता है, ठीक है। और एमीटर और कलेक्टर को जानने के लिए देखिए बेस को यहाँ पे रखिए और यहाँ पे चेक कीजिए, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करेगा 600-700 के बीच, और ये मान लो कि ये कलेक्टर हमारा 600 दे रहा है, 600 ही वैल्यू शो कर रहा है, और एमीटर जो है 700 कर रहा है, तो कलेक्टर का हमेशा कम होता है, वैल्यू कम शो करेगा और एमीटर का ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम बेस कलेक्टर एमीटर को पहचानते हैं, और कौन सा चैनल NPN है या कौन सा PNP है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक था इतना ही था, अगर आप बोलोगे तो इससे भी आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स,